Hello, and a very good morning to all of you. First of all, happy new year. And आज साल के पहले दिन का नया आगाज है, तो आप सबको एक रेजोल्यूशन तो लेना ही चाहिए. कल तक जो बीता उन सब बातों को भूल जाइए, पुराने साल चले गए, नए साल है. अपना एक गोल एक डिटर्मिनेशन के साथ अपना एक गोल सेट करिए, एंड ये सोचिए कि हाँ, इसे मुझे इस साल में इस लक्ष्य को पूरा करना ही है. सो हैप्पी न्यू ईयर. एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जनवरी 2019 के डेली करंट अफेयर्स क्विज. अगर आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट, PCS या जिस भी तरह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं. एंड दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, नैना दुबे. सो क्वेश्चन ऑफ द डे, आज आप मुझे बताएंगे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है. एंड सेकेंड क्वेश्चन है, बालकन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किन्हें नवाजा गया है. इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने करंट अफेयर्स के वीडियो में कवर किया था. एंड स्टैटिक्स आप मुझे बताइएगा, बीहू, बागुरुम्बा और भोरट, ये तीनों लोक नृत्य हैं, ठीक है. ये किस राज्य से रिलेट है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है. तो आज के बनते हैं 4 क्वेश्चन, और आप कोशिश करेगा कि आप इसे कमेंट में आंसर्स में मुझे बता पाएँ. एंड अगर आप इसमें कुछ अपडेशन चाहते हैं, तो आप वो भी मुझे कमेंट में बताइए कि इस वीडियो में मैं और क्या ऐड करूं, तो उस पर मैं ध्यान रखूंगी. नेक्स्ट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शहर में राष्ट्रपति ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है. तो देखिए, हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है. ऑप्शन है सी. एंड इसमें अमेरिका में जो हमारे देश के, हमारे भारत के जितने भी चिकित्सक हैं जो अमेरिका में हैं, उनके मतलब वो जो सेवा कर रहे हैं उनकी उन्होंने सराहना की है, ठीक है, इस सम्मेलन में. ये सारी चीज़ें हैं आप इस पिक्चर्स में देख सक रहे हैं, इस समारोह को संबोधित करते हुए हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, किस मंत्रालय ने अगले 4 वर्षों में भारत के साथ रामेश्वरम अरब सागर को फिर से जोड़ने के लिए भारत के पहले लिफ्ट पूल के निर्माण की घोषणा की है. मतलब ये समझ लीजिए कि भारत में पहला एक लिफ्ट पूल बनाया जाएगा, जो भारत की जो मुख्य भूमि है उससे रामेश्वर अरब सागर को फिर से जोड़ेगा. तो ये किया गया है पर्यटन रेलवे मंत्रालय के द्वारा. ऑप्शन है हमारा डी, रेलवे मंत्रालय. एंड इन्होंने कहा है कि अगले 4 वर्षों में इस योजना को ये पूरा कर देंगे, जिसमें 250 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है, ठीक है. ये पुल जो है 2 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा, एंड ये 4 साल पुराने एक पंबन पुल है जो उसकी जगह लेगा, ठीक है, जिसकी लंबाई 58 मीटर समथिंग है, ठीक है. तो आप इस डायग्राम में सारी चीज़ें देख पा रहे हैं. एंड ये जैसा कि मैंने कहा, ये रेलवे मंत्रालय के द्वारा इससे घोषणा किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, किस राज्य में 8 दिवसीय 11वां बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू होगा. तो यहाँ मैंने राज्य की बात की है, तो देखिए बैंगलोर जैसा कि हम जान रहे हैं कर्नाटका में पड़ता है, तो ऑप्शन हो जाते हैं कर्नाटक. एंड ये 8 दिनों का होगा 11वां बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव. ये 7 फरवरी 2019 को शुरू होगा. हर साल फरवरी का जो पहला थर्सडे होता है ना, तब ये मनाया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में रसगुल्ला के आविष्कारक के डाक टिकट के लॉन्च के साथ रसगुल्ला उत्सव का उद्घाटन किया गया है. देखिए रसगुल्ला जैसे कि हम जान रहे हैं, ये इसके इन्वेंटर जो हैं जिनका नाम है श्री नवीन चंद्र दास, उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, और उनके साथ ही साथ उनको समर्पित एक डाक टिकट को लॉन्च किया गया है, ठीक है. तो ये चीज़ें जान लीजिए कि रसगुल्ला के जो इन्वेंटर हैं ना, इनका नाम है श्री नवीन चंद्र दास, और इनके साथ ही साथ 150वां साल मनाया गया है रसगुल्ला उत्सव को लेकर. तो ये कहाँ मनाया गया, ये मनाया गया कोलकाता में. 3 दिनों का ये उत्सव था, और जैसा कि मैंने बात किया, इनके इन्वेंटर श्री नवीन चंद दास को आप इस पिक्चर में देख सक रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में छप्पा राम त्यौहार मनाया गया है. छप्पा राम त्यौहार जिसे रथ उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, तो देखिए ये मनाया गया तमिलनाडु में. ऑप्शन है हमारे बी, तमिलनाडु. एंड तमिलनाडु में जो मदुरै मीनाक्षी मंदिर है ना, वहाँ ये छप्पा राम त्यौहार हर साल मनाया जाता है. यहाँ सभी प्रकार के जितने भी भोजन है या चारे हैं उनके संरक्षण के महत्व का ये प्रतीक है ये त्यौहार, ठीक है. और एक खासियत है कि इस त्यौहार में ये देवी मीनाक्षी की जो मंदिर है वो भक्तों द्वारा अकेले ही खींचा जाता है. मतलब ये जो रथ उत्सव निकलती हैं, तो देवी मीनाक्षी की मंदिर को भक्तगण अकेले ही खींच लेते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं. जैसा कि मैंने बताया कि ये तमिलनाडु में मनाया जाता है. ऑप्शन है हमारे बी, तमिलनाडु.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मलखान परियोजना के तहत कौन सी पुलिस राज्य के हर पुलिस स्टेशन में सभी मलखानों को डिजिटल करने के लिए देश की सबसे पहली पुलिस बन गई है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ई मलखान परियोजना जिसका उद्घाटन किया दिल्ली पुलिस के जो आयुक्त है अमूल्य पटनायक के द्वारा, ई मलखान परियोजना, इसमें क्या हुआ ना कि देखिए मलखान है क्या, जितने भी जब्त हथियार और जो गोला बारूद होते हैं ना उसे रखने का वो कमरा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है कि वो कौन सी पुलिस है जो राज्य की हर पुलिस स्टेशन में सभी मलखानों को डिजिटल करने के लिए देश की पहली पुलिस बल बन गई, तो ये है दिल्ली पुलिस। ऑप्शन है हमारे ये दिल्ली पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वुमेन वन डे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, तो इनका नाम है स्मृति मंधाना। देखिए, वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड वुमेन वन डे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है स्मृति मंधाना ने, इन्हें ICC के द्वारा ये पुरस्कार मिला है एंड ये दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं इस खिताब को जीतने वाली, क्योंकि झूलन गोस्वामी ऑलरेडी इस खिताब को जीत चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं और स्मृति मंधाना अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको महिला T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, तो देखिए इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। ये जो वुमेन क्रिकेट टीम की जो T20 की जो मैच होने वाली है इसके लिए कैप्टन नियुक्त हुई हैं। ऑप्शन है हमारे डी, हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की एयरलाइंस हाई फ्लाई ने सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री फ्लाइट की शुरुआत की है। देखिए, ये देश की एयरलाइंस है जिसका नाम है हाई फ्लाई, जिसे हमारे यहाँ है एयर एशिया, विस्तारा, इंडिगो, वैसी इस देश की एयरलाइंस का नाम है हाई फ्लाई, ठीक है। इन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री फ्लाइट की शुरुआत की है, जिसमें हुआ क्या कि वहाँ कुछ भी प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ नहीं की गई है फ्लाइट में। मान लीजिए कि जैसे कि कुछ भी कंटेनर हो गए, कप हो गए, टी के लिए कुछ भी ग्लास, तो ये सारी कुछ भी चीज़ें इसमें यूज़ नहीं की गई है, फूड कंटेनर कुछ भी प्लास्टिक की नहीं थी, तो ये है पुर्तगाल। ऑप्शन है हमारे ए पुर्तगाल। देखिए, ये साउथ यूरोप कंट्री है एंड 29 दिसंबर को इन्होंने अपनी सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री फ्लाइट की शुरुआत की है, ठीक है। तो ऑप्शन है ए पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 रैंकिंग में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ राजधानी चुना गया है, तो देखिए ये चुना गया है हैदराबाद को। ऑप्शन है हमारे डी, हैदराबाद। ग्रेटर हैदराबाद को हैदराबाद नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ राजधानी के रूप में चुना गया है एंड इसमें शहरों की रैंकिंग होती है कि सबसे ज़्यादा स्वच्छता किस शहर में है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना की गजराज कौर अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। गजराज कौर क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखिए, गजराज कौर 1961 में भारतीय सेना का एक सैन्य क्षेत्र बनाया गया था, उसे ही गजराज कौर के नाम से जाना जाता है और इसके अधिकारी नियुक्त हुए हैं मनोज पांडे, ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ऑप्शन हो जाते हैं हमारे बी एंड ये इन्होंने रिप्लेस किया है गुरपाल सिंह संघा को, ये भी लेफ्टिनेंट जनरल, इनकी जगह लेंगे मनोज पांडे, ये अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने हनी बी योजना का विस्तार देश के अन्य क्षेत्रों में करने की घोषणा की है। पहले तो ये जान लीजिए कि हनी बी योजना है क्या। देखिए, हनी बी योजना में क्या होता है ना कि रेल पटरियों पे जितने भी पशु हैं उनकी मौत ना हो, उनकी सुरक्षा के लिए ये हनी बी परियोजना बनाई गई है, स्पेशली हाथी को लेकर, विशेष रूप से इसमें हाथियों पे जोर दिया गया है। मतलब हाथी जैसे जितने भी जानवर हैं उनके मौत के बचाव के लिए ये हनी बी परियोजना को स्टार्ट किया गया था 2017 में, और इससे एज अ प्रैक्टिकल, मतलब एक जगह पे हम पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो असम में इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू हुआ था ये। पर अब रेलवे मंत्रालय ने ये कहा है कि ये हनी बी योजना का विस्तार जो है देश के अन्य क्षेत्रों में भी होगा, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं डी, रेलवे मंत्रालय। इसमें क्या होता है ना, मैं बता दूं, आप यहाँ इस डायग्राम में जैसे देख पा रहे हैं, रेल की पटरियों में एक विशेष तरह का उपकरण लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि उसमें से मधुमक्खियों की रिकॉर्ड की गई आवाज़ आती रहती है, मधुमक्खियों की एक ध्वनि आती रहती है, जिससे वो उपकरण एम्पलीफाई करते रहते हैं। जैसे जितने भी हाथी होते हैं ना, तो वो रेल पटरियों से दूर हो जाते हैं उस आवाज़ को सुनकर, इसलिए इसका नाम रखा गया है हनी बी परियोजना, क्योंकि उसमें से मधुमक्खियों की आवाज़ आती है जो एम्पलीफाई करती रहती है सिस्टम, जिससे कि हाथी जैसे जितने भी
पशु हैं वो रेल पटरी पे नहीं आते हैं और उससे उनकी मौत के बचाव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में डांडी यात्रा नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो डांडी यात्रा स्टार्ट की गई है नई दिल्ली में, जैसा कि हम जान ही रहे हैं डांडी यात्रा, तो ये महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उत्सव का एक हिस्सा भी था। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है हमारे ए नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा उड़ीसा में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की गई है? उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की गई है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ऑप्शन है हमारे डी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। एंड इसके तहत इनका उद्देश्य है कि महिला स्वच्छता और स्वास्थ्य पर महिलाओं को शिक्षित करना है, और बहुत कम पैसों में, और जो कि एनवायरनमेंट के भी अनुकूल हो, वैसे सैनिटरी पैड उनके तक पहुंचाया जा सके। जैसे कि गांव में जितनी भी लेडीज़ हैं वो स्वच्छता नहीं होने के कारण भी बहुत ज़्यादा उनकी मौत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने टारगेट किया है कि उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन के तहत वो महिलाओं को स्वच्छता के बारे में पहली बात तो शिक्षित करेंगे, और सबसे कम लागत वाले पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी पैड पे को भी उनके तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन है डी धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नेत्र शिरोमणि पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? राष्ट्रीय नेत्र शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अनिंदिता नियोगी अनाम को। ऑप्शन है हमारे सी। देखिए, 2 जनवरी 2019 को, 2 जनवरी को इन्हें सम्मानित किया जाएगा, मतलब कल, कटक में 10वां कटक महोत्सव होगा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत समारोह में। इसके उद्घाटन में इन्हें राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि कथक नृत्य जो है, जो ये नृत्य करती हैं कथक, उसका उन्होंने दुनिया भर में मतलब बढ़ावा दिया है। उनके इस योगदान के लिए इन्हें राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन है सी अनिंदिता नियोगी अनाम। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 1 जनवरी 2019 के। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।